नवाल, नवाल, ये क्या तुम अभी तक उसी हुलिया में बैठी हो? चलो उठ के तैयार हो, वो लोग आते ही होंगे। अभी बहुत टाइम है, एंड FYI मुझे इतना हैवी जोड़ा पहनकर पहले से नहीं बैठना, दम घुटता है मेरा भाई। नवाल मेरी बात कान खोल के सुन लो, उनके सामने कोई बेकार की बात मत करना। मैं नहीं चाहती कि उन पे कोई बुरा असर पड़े, पहली दफा में हमेशा अच्छा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए। ओके ओके ओके, लेकिन आपको एक बात बता दूं, उन लोगों के सामने मैं कोई भी ट्रे या ट्रॉली लेकर नहीं जाऊंगी। आई जस्ट हेट दीज रिचुअल्स, और वैसे भी ये काम करने के लिए घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करना। देखो मैं नहीं चाहती कि जुहेब जैसा अच्छा लड़का हमारे हाथ से निकल जाए। मैं चाहती हूँ तुम्हें घर से रुखसत करके तुम्हारे भाई के पास मैं UK शिफ्ट हो जाऊँ। हाँ आप तो चाहती यही है, है ना? भाई के पास UK चली जाए और बेटी यहाँ सड़ती रहे, मुझे तो आपने शुरू से ठिकाने ही लगाना था। क्या बेकार की बातें कर रही हो, कितनी दफा तुम्हें मना किया कि ऐसी बातें मत किया करो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अच्छी जगह हो, तुम खुशी से जिंदगी गुजारो। और सुहेब बहुत अच्छा लड़का है बेटा, वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा। मां ऐसी जिंदगी तो मैं वहां शादी करके भी गुजार सकती थी ना, पाकिस्तान आने की क्या जरूरत थी? जरूरी था, बहुत जरूरी था, लेकिन ये बात तुम अभी नहीं समझोगी। और तुम्हें वहां आने से मना किसने किया है? घूमने फिरने के लिए आती रहना, और अगर तुम दोनों मियां बीवी का दिल हो तो तुम वहीं सेट हो जाना हमारे पास, है ना? लेकिन इस वक्त तो उठो, तो यार वो देर हो रही है।